हेलो गाइस, आई एम अभिनव त्रिपाठी एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फॉरगेट जीमेल अकाउंट रिसेट कैसे करें। अगर आप लोग जीमेल को भूल गए हैं तो दोबारा से कैसे जीमेल को ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ बेसिक स्टेप बताया हुआ है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंटर देखना, लास्ट ही देखना एंड पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूरी करेगा। सिंपली आपको करना क्या है, जीमेल ऐप जो होता है जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन में कोई अदर जीमेल है तो यहाँ पर ओपन हुआ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली जो जीमेल का ऊपर की तरफ लोगो है उस पर क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली ऐड अनदर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पर गूगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो गूगल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड बोलेगा तो पासवर्ड सिंपली यहाँ पर फिलिप कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्क्रीन है ब्लैक हो गया है, तो यहाँ पर पासवर्ड जब भी देते हैं तो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद में चेकिंग इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, तो सिंपली फॉरगेट ईमेल वाले पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल बोलेगा, तो सिंपली आपको ईमेल पता नहीं है तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिलिप कर देना है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोलेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल में जो नेम होता है उसी का यहाँ पर नेम देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दे दिया अभिनव त्रिपाठी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ईमेल में है अभिनव त्रिपाठी, जितने भी मैं ईमेल्स बनाता हूँ उसमें अभिनव त्रिपाठी मैं फिलिप करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैंने अभिनव त्रिपाठी फिलिप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना होगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर सेंड करने के लिए बोलेगा, तो जो आपने नंबर दिया है उसी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होता है, तो जिस भी सिम का आपने नंबर दिया है वो सिम इस मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए जिस मोबाइल फ़ोन से आप कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं OTP यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है, जैसे आप सेंड करेंगे ये जो OTP आपको फिलिप नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सिम जो है इस मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए तभी ये जो ट्रिक है वो वर्क करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। जैसे वेरीफाई होगा आपके इस सिम से जितने भी ईमेल्स बने हैं यहाँ पर देख सकते हैं, सभी यहाँ पर देखने को मिल गए। यहाँ से देख सकते हैं 10 से ज़्यादा ईमेल्स मैंने इस फ़ोन से वेरीफाई है, जो सिम है इससे वेरीफाइड है, सभी ईमेल्स वेरीफाइड हैं तभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सब में अभिनव त्रिपाठी ही है, तो अभिनव त्रिपाठी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था जो मैंने नेम यहाँ पर फिलिप किया था स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभिनव त्रिपाठी नेम से जितने भी ईमेल्स हैं सभी यहाँ पर ओपन हो गए हैं। तो जिस भी ईमेल्स को आप ओपन करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर पासवर्ड बोलेगा, तो पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही पुराना ईमेल है, मुझे पता नहीं इसका पासवर्ड, तो फॉरगेट मैंने कर दिया। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू का एंड अपडेट पासवर्ड का। अपडेट करना चाहते हैं तो पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कंटिन्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आई एग्री कर देना, आई एग्री करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो ईमेल है ये मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से आप भी आपके जितने भी ईमेल्स बने आपके फ़ोन नंबर से उसको आप पता कर सकते हैं, जिससे आप भूल गए हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो गया है। मैंने दिखाया आपको 10 से 12 ईमेल्स मेरे इस सिम से वेरीफाइड थे और सभी यहाँ पर देखने को मिल गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका लोगो आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो है ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेल्स होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये काफ़ी ओल्ड ईमेल है और इसको मैंने बीच में एक बार ओपन किया था और ये अभी देख सकते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको जस्ट ओपन किया है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से होता तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ देख सकते हैं अभी इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर थोड़ा वेरिफिकेशन में इसको जो है लोडिंग में थोड़ा टाइम लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही पुराना ईमेल है और इसको मैंने यहाँ पर ओपन करके आपको लोगों को दिखा दिया है। तो आपको जो इस भी जीमेल्स को आप ओपन करना चाहते हैं उसका नेम इंपॉर्टेंट होता है, तो नेम आपको पता होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए, और जब भी जिस भी सिम से आप कर रहे हैं उस सिम मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए तभी आप जो है ओपन कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।